क्या तवक्कुआत हैं इलेक्शन से? सबको अंदाजा हो गया कि लोगों का रुझान किस तरफ है। कराची में काम नहीं हुआ है सर। 18वीं तरमीम जो कि मेन इशू था, मेरे हिसाब से ये सीट दोनों हम निकाल सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या वजह है अब तक आपने हल्फ क्यों नहीं उठाया अपनी सीट जीतने के बाद भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंशाल्लाह हल्फ जो है इंशाल्लाह जल्दी उठा लेंगे। थोड़े से कुछ मामलात हैं जो चल रहे हैं, मगर इंशाल्लाह हल्फ उठाएंगे। मौलवी साहब, ये बताइए क्या तवक्कु आते हैं इलेक्शन से? खान साहब आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये दो सीटें पीटीआई जीतेगी, कुरंगी की भी और शाह फैसल की भी? देखिए, खान साहब भी आ रहे हैं और ये तो मेरे ख्याल से साफ वाजे नजर आ रहा है कि ये दोनों सीटें खान साहब निकाल लेंगे। उसकी वजह आप देखें ना, जब मुझ जैसा छोटा जो इसको बोलते सिपाही ने इसी कराची में महीना डेढ़ महीने पहले जो सीट निकाली जिस मार्जिन से, तो इससे आप सबको अंदाजा हो गया कि लोगों का रुझान किस तरफ है। लेकिन मौलवी साहब, महमूद मौलवी साहब, कराची बहुत बड़ा शहर है, वाहिद मेट्रोपोलिस है। लोग कहते हैं 2 करोड़, मैं कहता हूं 3 करोड़ की आबादी है शहर में और इसके डेमोग्राफिक्स बहुत डिफरेंट हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम सियासतदानों से कि जब भी वो कराची का जिक्र करें तो उसको बाकी पाकिस्तान जैसा ना समझें। यहाँ की सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटी, तरीक़ेकार बिल्कुल सियासत का अलग है। और शाह फैसल एक ऐसा इलाका है जो बहुत एक्टिव है, जो बहुत बाशऊर है। मेरे ख्याल से आपको लगता है कि वहाँ पर भी वैसे ही आप क्लीन स्वीप कर पाएंगे, क्योंकि यकीनन चैलेंजेस हैं। कराची में काम नहीं हुआ है सर, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, हल कुछ भी नहीं हुआ है। पीटीआई से बड़ी उम्मीदें थी, मैंने भी पीटीआई को वोट दिया था, कोई मेरा ख्वाब पूरा नहीं हुआ सर। बिल्कुल, मैं आपसे कुछ चीज़ों पर एग्री करता हूँ कि हाँ, कराची में उस लेवल का काम नहीं हुआ जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी। उसकी वजूहत दो तीन थी। एक वजूहत तो देखिए 18वीं तरमीम, ठीक है ना, जो कि मेन इशू था। और कुछ मैं कहूंगा कि मैं खुद कुछ जगहों पे सेटिस्फाइड नहीं हूं हमारे अपने लोगों से, आई विल बी वेरी फ्रैंक। उसकी वजह यह है कि हमें जो डिलीवरी करना था उस किस्म की डिलीवरी हम दे नहीं सके। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर हालात को देखते हुए और ओवरऑल देखते हुए मेरे हिसाब से ये सीट दोनों हम निकालते हैं। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।